हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे होगा सम गेट रेडी विथ मी एंड दैट टू फॉर अ शूट डे। सो आज मुझे एक वीडियो आप ही लोग के लिए शेयर करना है, शूट करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा खुद को भी रेडी करना चाह रही थी बिकॉज इट्स द फेस्टिव थीम्ड यू नो लाइक वीडियो। सो आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू मेक माई सेल्फ फील एंड लुक बिट फेस्टिव। सो दैट्स द रीज़न आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल कुर्ता एज यू कैन सी। So this is very pretty bottle green color, and that is the reason I am wearing an emerald earring top, जो भी आप कहो, तो वो मैंने pair करा है इसके साथ। And yeah, let's get started. So सबसे पहले guys, I need to tie up my hair. Okay, so अब मैंने बालों को tie कर लिया है, so अब सबसे पहला step जो होगा primer, and here I am, this is Nykaa Prep Me Up face primer. So I'll just put the primers where it's actually needed. Okay. सो मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने स्माइल लाइन्स पे भी क्यों डाल रहे हो, पीपल में आस्क। सो एक्चुअली इट कैन हैपन कि यहाँ पे आप अपना जो भी कंसीलर या करेक्टर जो भी अप्लाई कर रहे हो तो वो भी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम अप्लाइंग इट ऑन दी यू नो लाइक यूजुअल टी जोन जहाँ पे आपको प्राइमर एक्चुअली चाहिए, एंड थोड़ा सा अंडर दी आईज डार्क सर्कल्स वाले एरिया पे गाइज, एंड हियर ऑन द स्माइल लाइन्स, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे एज सच प्राइमर की नीड नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा जगह पे बेस नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। ब्लेंड इट विथ माई हैंड्स। ओके, ऐसा नहीं कि प्राइमर को आपको बिठा के रखना है, यू नीड टू ब्लेंड इट बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ द की गाइस। आप अगर आई शेडो लगाते हो तो इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके ओके, सो मैं इसको लेट इट सिट। आप देख सकते हो मेरे पोर्स काफ़ी ब्लर हो गए बिकॉज ऑफ दिस, एंड आई डू हैव दी ब्रेकआउट, पता नहीं कब जाएगा। आई एम डूइंग सम स्किन केयर फॉर दिस ऑल्स वेल, एंड स्पेशली वेन यू आर हैविंग ब्रेकआउट आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है, करना नहीं चाहिए। ओके, वंस आई एम डन विद दिस देन आई विल जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ सम काइंड ऑफ स्ट्रोबिंग बिकॉज इट्स अ फेस्टिव गेट रेडी विद मी, सो डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रोबिंग आई नीड विथ माई अटायर। ये बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा तो ग्लो फेस पे भी चाहिए गाइज। टू ऑप्शंस फॉर यू, यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ देम। सो फर्स्ट इज स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर। ये प्राइमर की तरह भी काम करता है और ये ऐसा दिखता है। ये मेरे पास गोल्डन शेड पे है। एक्चुअली गोल्डन शेड इज़ बिट टू डार्क फॉर मी, आई एम NC30, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। एंड देन लैक्मे लूमी क्रीम, इसका मैंने रिव्यू एंड कंपेरिजन विद द मैक्स प्रोटीन क्रीम भी करा है मैंने, सो यू कैन चेक दैट एट आउट एज वेल। सो ये दोनों मुझे काफ़ी अफोर्डेबल ड्यूप्स ऑफ मैक्स ट्रोपिंग क्रीम लगता है। मेरे पास वो भी है, बट देन आई ऑफन टेंड टू गो दिस और दिस। आज मैं इसी से करूँगी बिकॉज आप देखना थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन हो जाऊँगी मैं। गाइज आप बताना ये एमरल्ड वाला ईयरिंग कैसा लग रहा है। मुझे पर्सनली डिसेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा घटिया बेकार भी नहीं लग रहा है। सो मुझे ये एवरेज सा लग रहा है। आई गॉट इट फॉर अराउंड 150 और समथिंग इन दी नॉर्मल ब्यूटी शॉप्स। ठीक है, अब मैं इसको ले रही हूँ एंड ऑन दी बैक ऑफ दी हैंड मैं लूँगी। ओके, ये निकलता वाइट कलर का है, बट देन वेन यू ब्लेंड इट डेफिनेटली यू विल सी गोल्डन ग्लिटर्स। सो मैं इसको थोड़ा सा वार्म अप करके थोड़ा सा इसका गोल्ड शेड जो है वो निकल जाए तभी मैं इसको पुट करूँगी। ओके, वेर एवर आई वॉन्ट द हाईलाइट इफेक्ट। ओके, मैं इसको टी जोन पे नहीं दूँगी, रीज़न बीइंग आई डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक इट इसको बॉल ऑलरेडी मी हैविंग एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, आई डोंट वॉन्ट इट। ओके, नाउ दैट आई हैव डन दिस, अब स्ट्रोब क्रीम को आप कैसे ब्लेंड करोगे, राइट? या आप अपने फिंगर के हीट से कर लें, या तो आप जो ब्रशेस आते हैं ब्रश से भी आप कर सकते हैं, डिपेंड्स व्हाट यू चूज व्हाट यू लाइक। एज यू कैन सी थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं मेरे स्किन पे, बट आई प्रेफर इट ब्लेंडिंग विथ माय हैंड्स बिकॉज मैं उतनी प्रो नहीं हूँ मेकअप पे। सो जो मुझे सही लगता है मेरे हिसाब से मैं वही करना प्रेफर करता हूँ। सो आई हैव डन दिस। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी देर इज़ अ गोल्डन शाइन ऑन माई फेस। ओके, सो दिस स्मेल्स गुड एज वेल। आई डोंट नो मेकअप पे स्किन केयर पे फ्रेगरेंसेस क्यों डालते हैं, बट ओके आई एम ओके विद दैट एज वेल। एनीवेज, सो आफ्टर दिस ये थोड़ा सा सेटल होने दो, उसके बाद आई विल स्ट्रेट अप गो टू माई कंसीलर। के लिए आई नॉर्मली यूज़ दिस पैलेट फ्रॉम नायका, पता नहीं कितने सालों से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, एंड एज यू कैन सी ये ख़त्म ही नहीं होता है बिकॉज इसमें वेरी रेयर कुछ शेड्स होते हैं जो ही मैं टच करती हूँ। सो आई हैव दिस एज यू कैन सी यहाँ पे ये डिप किया हुआ है। सो आई यूज़ दिस ऑरेंज कलर करेक्टर, येलो, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ
यू नो लाइक थोड़ा सा अपने स्किन टोन पे लाने के लिए आई यूज दिस वन. ये तीनों एज यू कैन सी ये अनटच्ड ही रह गए हैं. दीज आर फॉर डार्कर स्किन टोन्स, सो फॉर देम इट विल बी अ रियली गुड. एंड दिस इज द मीडियम शेड. आई टेल यू द शेड, दिस इज नायका स्किन जीनियस कंसील एंड करेक्ट पैलेट. दिस इज मीडियम 02. सो 02 इज ऑल्सो वेरी डार्क फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट देन ठीक है काम चला लेंगे. सो आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज वन. ओके यहाँ पे जस्ट कंसील माई हॉरिफिक डार्क सर्कल्स. ओके एंड एक्ने के ऊपर मैं नहीं देने वाली, बिकॉज एक्ने के ऊपर मैं कभी भी मेकअप तो नहीं डालने वाली. दैट फॉर शूट्स आई विल नेवर गेट. ओके सो यहाँ पे भी मैंने ये डाल दिया. नाउ आई नो आई एम लुकिंग लाइक अ क्लाउन, बट दैट इज हाउ यू डू कलर करेक्टिंग. एक्चुअली मुझे पीच करेक्टर की जरूरत है, बट मैं ऑरेंज से काम चला रही हूँ गाइज. सो टू जस्ट मेलो डाउन दिस आई जस्ट एड सम येलो. ओके and once I blend this, I'll come back to the skin shade. Okay. Well, अब इसको blend कैसे करना है. आपके पास अगर concealer brush है तो बढ़िया है. Concealer brush आपके पास अगर नहीं है तो आप eyeshadow shadow brushes जो होते हैं जो थोड़े से thick होते हैं, ये मेरे Mars का arsenal collection में से है, तो उसमें से आप देख सकते हो. ये eye shadows के लिए mostly given है, but मैं उसको concealer के लिए भी use करती हूँ. मेरा concealer brush अभी not in a good state of looks है, so वो अभी मेरे पास है नहीं. So I'm just using this one, okay? Just to blend. So once I start blending, आपको इसको drag नहीं करना है guys, आपको इसको put करना है, push करना है, ठीक है? आप किसी को जैसे life में धक्का देते हो या दिल में धक्का देते हो, वैसे ही इसको धक्का दे के ना ऐसे just push it inside of your skin, तो वैसे ही वो blend होते जाएगा. okay? A very bad तरीका of explaining makeup, but ठीक है. तो एज यू कैन सी मैं ऐसे इसको ड्रैग नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट पुशिंग इट जस्ट फॉर द कलर करेक्शन. बहुत माइल्ड है ये, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू नो फुल फेस ऑफ मेकअप आई एम नॉट डूइंग. सो ये जो भी कर रही हूँ मैं जस्ट फॉर माई शूट्स एंड फेस्टिव गेट रेडी सॉर्ट ऑफ, आप सोच सकते हो इसको. सो आई एम डूइंग दिस. सो एज यू कैन सी द डिफरेंस, ये थोड़ा अभी ऑरेंज टोन पे आया, बट देन स्किन वाला कलर का जो हमने कंसीलर देखा था वो अप्लाई करूँगी तो इट विल नॉर्मलाइज टू माई ओन स्किन टोन. ओके एंड ऑलरेडी गाइस मैंने लिप बाम लगाया हुआ है, सो लेट इट सिट एंड सोक माई लिप्स सो दैट कि वो चैप ना लगे वंस आई ट्राई टू यूज यू नो लिपस्टिक्स. वंस आई ब्लेंड दिस एंड ब्लेंडिंग ओके. दीज ब्रशेज आर वेरी अफोर्डेबल, दे कम इन अ सेट ऑफ 6 एंड दे कॉस्ट अराउंड 800. सो अगर आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के, अपार्ट फ्रॉम पैक, आई डू प्रेफर पैक ब्रशेज, बट अगर आपके पास पैक खरीदने के पैसे नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है सम सॉर्ट ऑफ रीजन, थोड़े एक्सपेंसिव तो है वो डेफिनेटली, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ द मार्स आर्सेनल वन. आई वुड लव टू यूज़ इट फॉर एवर, दे आर वेरी गुड क्वालिटी. पैक तो नंबर वन आता है, बट देन दिस ऑल्सो वर्क्स वेल. ओके सो एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ब्लेंडेड. थोड़ा सा ये जो डार्कनेस दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑरेंज कलर करेक्टर गाइस. सो नाउ आई गो विद माई स्किन टोन वाला कंसील. सो आई बी यूजिंग दिस वन बिकॉज दिस इज आई गेस क्लोजेस्ट टू माई स्किन टोन. बाकी सारे काफ़ी डार्क है एंड कलर करेक्टर के बाद मुझे डार्क कंसील का क्या करूँगी मैं गाइस. ओके नाउ सी द प्रॉब्लम विथ माई अंडर आइज आर, मुझे ना डीप सेटेड आइज है. ओके इट्स वे बिहाइंड ऑफ माई सॉकेट, द आई सॉकेट इज वे बिहाइंड एंड दैट इज द रीजन डार्क सर्कल्स हो चाहे ना हो फिर भी इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ डार्क सर्कल्स अंडर माई आईज. सो फॉर मी कंसीलर इज माई बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड हो ना हो कंसीलर होना ज़रूरी है मेरे लाइफ में, ऐसा है. ओके सो जो है उसी से आप खुश रहिए गाइज. फ्रेंड होना हो कंसीलर होना चाहिए, ठीक है. ओके नाउ आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड माई स्किन टोन वाला कंसीलर. इसको थोड़ा सा मैं फोरहेड पे भी लगा दूंगी बिकॉज टैनिंग तो फोरहेड पे ही होती है सबसे ज़्यादा. जस्ट रैंडमली ब्लेंडिंग आई एम टेकिंग दिस मार्क्स आर्सेनल ब्रश. दिस इज अ डिफरेंट ब्रश, बट देन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश ऑफ द मार्क्स आर्सेनल पैकेज. ओके सो इसको आप नॉर्मली ऐसे भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप इसको मेकअप सेटिंग स्प्रेज आते हैं उसके साथ भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो. ओके आई जस्ट क्विकली ब्लेंड. As you can see, my base is almost done. अब मुझे इसको सेट करना है. सेट करने के लिए माई OG, माई फेवरेट अदर दैन द मैक स्टूडियो पाउडर फिक्स पाउडर, उसके अलावा मुझे ये लूज पाउडर फ्रॉम मेबलिन फिट मी. आई रियली लव दिस एंड आई एम इन द शेड लाइट मीडियम 20. ओके
सो ये काफ़ी क्वांटिटी देता है, 20 grams, या 20 grams देता है, मुझे याद है गाइस. एंड दिस लुक्स लाइक दिस एंड आई टुक इट फॉर माई ट्रैवल एंड सी सारा कुछ निकल आ चुका है. मैं ऐसे करके आपको शो नहीं कर सकती. ओके सो आई जस्ट, इससे मैंने कंसीलर अप्लाई करा था अगेन दिस ब्रश, क्योंकि मैं इसको सारे फेस पे नहीं सेट करने वाली, ओनली द प्लेसेस आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड. एंड देन सी, थोड़ा सा डिप करने से इतना ज़्यादा ये हो रहा है. एंड दिस एक्चुअली गिव्स यू एन एयर ब्रश इफेक्ट. जिन लोगों को शार्प शार्लेट टिलबरी का लगता है, ओ गॉड, शार्लेट टिलबरी का शार्लेट टिलबरी सी टी गाइज, तो अब क्या करूँ, मेबलिन ही प्रोनाउंस कर सकती हूँ, शार्लेट टिलबरी नहीं होगा. तो जिनको शार्लेट टिलबरी का लगता है कि वो एयर ब्रश इफेक्ट देता है, मेरी मानो, मेबलिन भी कुछ कम नहीं है. तो 500-600 में आपको मेबलिन में मिल रहा है एंड डिस्काउंट में ये 400 तक भी जाता है. सो वाई नॉट यूज दिस इंस्टेड ऑफ शार्लेट टिलबरी. ओके सो या, एज यू कैन सी दिस जस्ट फिल्टर्ड आउट माई अंडर आइज, एकदम स्मूथ हो गया, कोई डार्क सर्कल कुछ नहीं दिख रहा है. सो या, दिस इज द मैजिक ऑफ सेटिंग पाउडर. ठीक है, तो अब इसको मैंने बंद कर दिया गाइस. अब द नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग ऑल द कलर एंड द वार्म्थ एंड ऑल द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि बेस मेकअप करना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे. आप बताना आपको कौन सा पार्ट ऑफ द मेकअप सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. फॉर मी बेस मेकअप करना, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप, वो करना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है. आई जस्ट यूज, ये मेरा कोल है बाय द वे, दिस नॉट एन आईब्रो पेंसिल, दिस फ्रॉम कलर बार. एंड आई नो कि ब्लैक कलर कोई नहीं लगाता है, बट मेरे पास अभी वो मिला नहीं तो मैं इसी से जुगाड़ कर रही हूँ. गाइज आप बताना, क्या आप भी मेकअप में जुगाड़ करते हो? मैं तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ू इंसान हूँ, जस्ट टिपिकल इंडियन लाइफ स्टाइल. ओके सो, बट बहुत हल्के हाथों से आपको करना है, वरना आप राक्षस नहीं लगोगे. ठीक है, एंड देन वहाँ से भी सी गाइज, मैंने पिंपल को टच नहीं किया, बिकॉज अगर आप इसके ऊपर मेकअप डालोगे तो वो और ज़्यादा बेचारा सफोकेट हो जाएगा. तो अगर आप अपनी लाइफ में सफोकेशन नहीं चाहते तो पिंपल को क्यों सफोकेट कर रहे हो? ओके सो दैट कम्प्लीट्स माई आई ब्रो बेसिकली. एंड दिस कोल इज़ वेरी गुड एक्चुअली. ओके सो दिस इज़ फ्रॉम कलर बार, एज यू कैन सी. या मेसी हैंड्स. बचपन में गाइज हम लोग जब स्कूल में पेंसिल लिखते थे या कलर पेंसिल्स यूज़ करते थे, यू रिमेंबर, हाथ भी ऐसे कलरफुल हो जाता था. तो सिमिलरली मेकअप कर रहे हैं तो उसमें भी हाथ कलरफुल होना ज़रूरी है. ओके, नाउ दैट वी आर डन विद आवर आईब्रोज, नाउ विल जस्ट सिंपली आई लाइनर. आई एम यूजिंग दिस लॉरियल सुपर लाइनर एंड दिस लुक्स लाइक दिस. एंड गाइज ये बहुत ही अच्छा है, दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग. एंड इसके वन साइड पे आपको यहाँ पे ये कोल मिल जाएगा, एज यू कैन सी. ठीक है, ये कोल मिल जाएगा और दूसरे साइड पे, सो दिस इज़ द आई लाइनर बेसिकली. ओके सो आपको ये डबल साइडेड, ऐसे डबल साइडेड मिल रहा है. सो दिस इज़ वेरी गुड. एंड आपको ये आई गेस 1000 अराउंड इसका कॉस्ट है, बट यू आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, सो 500 ईच करके अगर आप सोचो तो दैट्स वेल एंड गुड. एंड ऑन सेल ये डेफिनेटली बहुत सारे डिस्काउंट्स में होते हैं, तो डेफिनेटली ट्राई टू बाई दिस लाइनर, आई रियली लव दिस. एंड बाय द वे मुझे लाइनर ऑफ स्क्रीन करना पड़ेगा, बिकॉज मैं ऑन स्क्रीन लाइनर नहीं लगा सकती गाइज, आई एम नॉट दैट प्रो, यू नो गाइज. मैंने लाइनर लगा लिया है एंड डेफिनेटली आई फेल्ड, बट कैन वी जस्ट अप्रिशिएट, एटलीस्ट लुक वाइज ब्यूरेबल लग रहा होगा, आई होप सो. एंड इट्स नॉट लुकिंग, जो मुझे पता है कि बहुत ख़राब लगा है मैंने, बट आई होप इट्स जस्ट लुकिंग नॉर्मल. एनी वेज सो गेटिंग बैक टू द गेम, अप्लाई आवर लिपस्टिक, दैट्स इट. सो दिस इज़ फ्रॉम मार्स एंड दिस इज लिप क्रेयॉन कॉल्ड लेट्स डू इट 07, ये ऐसा है. एंड दिस इज पिंक, ओके दैट्स अ नाइस साउंड. ओके सो एज यू कैन सी मैंने लिप बम लगाया हुआ था, आई डू हैव अ लिप आइड, आई डोंट नो कब हील होगा. एंड मैं इसको फुल ऑन नहीं लगाने वाली, बिकॉज इट्स वेरी यू नो लाइक डार्क रानी पिंक कलर सॉर्ट ऑफ. मैं इसको आपको ऐसे इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, लाइक दिस. सो जस्ट डैब इट जस्ट एज अ टिंट, दिस विल लुक लाइक. ठीक है, एंड नाउ इन फॉर ब्लेंडिंग आई एम टेकिंग माई हैंड्स. आपको क्या लगा कि मैं इससे ब्लेंड करूँ? नहीं, ऐसे नहीं करती मैं. ओके सो वी आर डन. सी गाइज, इंस्टेंटली फेस कितना ब्राइट लगता है वंस यू अप्लाई अ गुड लिपस्टिक विच कॉम्प्लीमेंट्स योर शेड, स्किन टोन एंड योर मेकअप एंड योर क्लोथ्स. आई एम टेकिंग दिस एज अ ब्लश एंड दिस इज लगा लूँ, फिर बताती हूँ आपको. ठीक है, दिस सो मेक अ डब्ल्यू. ओके एज यू कैन सी
अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद द कंसीलर ब्रश ब्रश सो दैट ये थोड़ा सा ब्लेंड होते वक्त भी ना थोड़ा अच्छे से ब्लेंड हो जाए, नॉट दैट कि बहुत ही तड़कता भड़कता ना लगे. ओके व्हाट से गाइस, क्या अच्छे से ब्लेंड हुआ है, क्या मैंने किया है अच्छे से ब्लेंड, आई डोंट नो. सो गाइस आई एम नॉट वेरी प्रो एट मेकअप, सो डेफिनेटली मेरे मेकअप उतने भी हाई फाई एंड ताम झाम वाले नहीं होते. आई डू वॉट यू नो लाइक वॉट सूट्स मी एंड वॉट आई लव टू डू. ओके सो दैट्स ऑल एंड आई जस्ट ओपन माई हेयर एंड यूजली आई ट्राई टू स्ट्रेटन द फ्रंट सेक्शन, बट आज मुझे मन नहीं करा तो ऐसे ही जस्ट बियर विथ मी विथ माई बेबी हेयर. सो या दिस वॉज द वीडियो फॉर हैव अ शूट आफ्टर दिस, सो आपको वो वीडियो भी जल्दी देखने को मिल जाएगा एंड दैट इज़ अ फेस्टिव कंटेंट एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर वॉट आई डू बिफोर गेटिंग रेडी फॉर माई शूटिंग. एनीवेज गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं एंड या डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो पे, टेक केयर.